लिंग में कठोरता नहीं आना मतलब नपुंसकत्व, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और साथ साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन। ये दोनों बीमारियां जब साथ साथ आती है और दोनों बीमारियां लेके कोई व्यक्ति हमारे पास में कोई पेशेंट आता है तो फिर हमें उसको ठीक करना जरा कठिन हो जाता है। चलो आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकत्व है या लिंग में कठोरता नहीं आना वो आते हैं तो ठीक है, उसको अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है मतलब जल्दी गिर जाना या शीघ्र पतन होना, चलो उसको भी ठीक कर सकते हैं। मगर जब ये दोनों साथ में आती है बीमारी और वो व्यक्ति मेरे पास में आता है कि नहीं मुझे कठोरता नहीं आती, और जब भी कभी कठोरता आती है तो पूरा बहुत ज्यादा कठोरता नहीं आती मतलब मीडियम रहती है, और थोड़ी भी मैं कोशिश करता हूँ सेक्स करनी तो जल्दी पतन हो जाता है, शीघ्र पतन होता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होता है कि अभी कठोरता आना ये पहली बात, और कठोरता आ गई तो फिर शीघ्र पतन होना, तो दोनों का इलाज साथ साथ करना कठिन हो जाता है। तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। एक तो यह है कि फिर हमको पूरा दवाई के साथ साथ इसका इलाज करना पड़ता है। वो है कि कठोरता आने के लिए कुछ दवाई दे दो, कठोरता आ जाती है जैसे सिल्डेनाफिल टाडालाफिल गोलियां हैं मेडिसिन या वर्दानाफिल है उसके वजह से कठोरता आएगी, और एक बार कठोरता आती है तो उसके बाद में फिर उसको स्क्वीज टेक्निक वो अप्लाई करने के लिए बोलो जो मैंने और कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि भाई लिंग को दबाना, शाफ्ट को दबाना, छोड़ना दबाना छोड़ना वो करना, या फिर स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक वो इस्तेमाल करो, या फिर लोकल एनिस्थेटिक मतलब लोकल स्प्रे का इस्तेमाल करो, या ऐसे कंडोम वापरो कि जिसमें लोकल एनिस्थेटिक है, तो ये दोनों भी साथ साथ इलाज हो सकते हैं। फिर हमको ये देखना पड़ता है कि इसको एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है जिसके वजह से कठोरता नहीं आ रही है तो उसका इलाज करना जरूरी है, या फिर इधर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो वहां ज्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन है इसकी वजह से जल्दी हो रहा है तो उसके लिए फिर SSRI नाम की जो मेडिसिन है वो उसको दे दो, या एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम करने की दवा दे दो। प्रॉब्लम होता क्या है कि जल्दी गिरता है इसलिए हमने एंग्जाइटी डिप्रेशन कम करने की दवा दिया तो इधर इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, इरेक्शन नहीं होता, तो हमको दोनों का बैलेंस करना पड़ता है, दोनों के कारण निकालना पड़ता है ढूंढ के। ऐसा है कि डायबिटीज की वजह से कठोरता नहीं आ रही, ऐसा है कि हाइपरटेंशन की वजह से कठोरता नहीं आ रही मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसकी वजह से कठोरता नहीं आ रही, तो वो भी देखना उसका इलाज करना जरूरी है। तो एकदम जब दोनों का इलाज हम करते हैं तो उसमें ज्यादातर मेडिसिन के साथ में साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग करना जरूरी होता है। दोनों मिस्टर मिसेस को हम बुलाते हैं, पति पत्नी आते हैं, दोनों चर्चा करते हैं, दोनों को हम बातचीत करके उसका इलाज करने के लिए बोलते हैं। तो ये यदि हम करते हैं कि साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग है मतलब सेक्सुअल काउंसिलिंग, और उसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करना, मेडिसिन के साथ साथ जैसे नेचुरल रेमेडीज जो है कि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है या स्क्विज टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना, ये हम करते हैं तो ये दोनों बीमारी यदि एक साथ है तो उसका इलाज हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।